हेलो, मैं राकेश रॉय, आप देख रहे हैं रॉयल टेक रिव्यूज़। आज हम डेल लैटिट्यूड 3480 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसे हमने ऑफलाइन मार्केट से लिया है। सेम लैपटॉप आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मेंशन कर दूंगा। अगर सिमिलर नहीं भी हो तो कुछ और मॉडल्स में देने का ट्राई करूँगा, और आगे चल के हम देखेंगे किसको किस प्राइस पर हमने लिया है। अगर इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ये एक रिफर्बिश कमर्शियल लैपटॉप है, जिसकी वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। इस लैपटॉप को मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कम प्राइस पे मिला है। इवन काफ़ी सारे स्क्रैच है, बट फिज़िकली डैमेज कहीं पे नहीं है और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर अगर देखेंगे तो ज़रा सा नेल पेंट लगा हुआ है कहीं कॉर्नर पर, बट ये क्लीन हो सकता है। आगे चल के मैं दिखाऊँगा। कॉमेंट में आप बताइए कि इसे कैसे निकाल सकते हैं। पोर्ट्स वगैरह की बात करूँ तो सारे पोर्ट्स बिल्कुल ही क्लीन है, लेफ्ट साइड फ्रंट में प्लस राइट में भी किसी तरह का डस्ट वगैरह नहीं है, काफ़ी क्लीन है। और बैक साइड में भी हमने चेक कर लिया, किसी तरह का कोई फिजिकल डैमेज नहीं है। लेफ्ट साइड में सबसे पहले एक पावर पोर्ट, एक लैन पोर्ट, एक HDMI और बैक टू बैक दो USB 2.0 के पोर्ट मिल जाते हैं। उसके बाद में 3.5mm का एक जैक मिल जाता है। उसके बाद कोई और पोर्ट आपको लेफ्ट साइड में देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे फ्रंट की, तो फ्रंट में किसी तरह का कोई पोर्ट अवेलेबल नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आगे चल के हम देखते हैं अब राइट साइड, तो राइट साइड में सबसे पहले एक कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, फिर एक USB पोर्ट, देन एक BGA और देन सिक्योरिटी स्लॉट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे आप लैपटॉप को लॉक कर सकते हैं। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे एयर वेंट मिल जाता है, इसके अलावा किसी तरह का कोई पोर्ट नहीं है। तो इस लैपटॉप में अगर पोर्ट देखेंगे तो काफ़ी लिमिटेड है। और बैकफायर के साथ में दो आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल और रबर मैट दिया हुआ है, और बीच में आपको लैटिट्यूड की ब्रांडिंग मिल जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन बैक साइड में, और उसके जस्ट ऊपर आपको एयर बैंड देखने को मिल जाता है बैक साइड में। और 4 से 5 स्क्रू ओपन करके आप लैपटॉप को खोल सकते हैं। और बैक साइड क्लीन है, थोड़े बहुत स्क्रैचेस है, चूँकि एक लैपटॉप थोड़ा पुराना है और हमें कम प्राइस भी मिला है। तो अगर इसे हम ओपन करके देखते हैं, तो अगर सिंगल हैंड से लैपटॉप को मैं उठाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ही उठा पा रहा हूँ। दैट मीन्स हिंच काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, इसमें किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना पुराना होने के बाद भी ये लैपटॉप बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैंने ऑनलाइन चेक किया तो पता ही चल रहा है कि लैपटॉप ऑलमोस्ट 6 ईयर ओल्ड होगा ये। और कीबोर्ड थोड़ा बहुत मुझे गंदा लग रहा है, ये क्लीन और हो सकता था। और स्क्रीन पे देखेंगे आप तो थोड़े बहुत हाथ के निशान वगैरह है, यहाँ पे एक ब्रांडिंग था बट वो दिख नहीं रहा है बराबर। और यहाँ पावर पोर्ट मिल जाता है, जस्ट ऊपर आपको एयर ग्रिल मिल जाता है, ऐसा लगता है कि स्पीकर है बट स्पीकर नहीं है, यहाँ पे एयर ग्रिल दिया हुआ है जिससे कूलिंग काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस है कॉर्नर पे हिंज के पास में, और उसके जस्ट ऊपर मुझे लगता है किसी तरह का कोई टेप लगा हुआ था, वो क्लीन हो सकता है। फ्रंट में आपको कैमरा मिल जाता है, HD कैमरा, माइक नॉइस कैंसलर के साथ में, और टचपैड वगैरह हमने चेक किया है। पावर ऑन करके लैपटॉप को देख लेते हैं, तो हार्ड डिस्क के साथ में है, चाहे तो हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए SSD पे। आप कमेंट करके बताइए कि कितना GB का SSD हमें अपग्रेड करना है इस लैपटॉप पे। तो देखिए बूट होके आ गया है, और अभी अगर मैं प्रोसेसर डिटेल चेक करूँ तो यहाँ पे देखिए i3 6th जनरेशन का यूसरीज का प्रोसेसर है, 8GB रैम है और विंडोज़ 10 प्रो के साथ में आया हुआ है। ये लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। और टास्क मैनेजर ओपन करके CPU का डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूसरीज का प्रोसेसर है। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आप अगर हमारे वीडियो को रेगुलर देखते तो आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या क्या दिखाते हैं। बैक टू बैक मेमोरी और डिस्क का भी डिटेल आपको मिल जाता है। डिस्क में आप देखेंगे HDD लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक हार्ड डिस्क है, ना कि SSD। और अगर मैं डिस्क पीस ओपन करके आपको दिखाऊं तो दो पार्टीशन बना हुआ है, एक में वॉइस और एक में डेटा के लिए है। चार्जिंग ये बराबर काम कर रहा है, चार्जिंग आपको लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे का चार्जिंग मिल जाएगा अगर बैटरी की हेल्थ अच्छी है। चार्जर को अनप्लग करके मैं दिखा रहा हूँ, बराबर काम कर रहा है। इस पर बेसिक गेमिंग आप इजीली कर पाएंगे, बहुत ही बेसिक लेवल की, नॉट हाई एंड, क्योंकि i3 प्रोसेसर है, ऊपर से हार्ड डिस्क है, और
इस अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बेसिक कोडिंग आप इस पर कर पाएंगे, सारे कॉलेज या स्कूल की कोडिंग, थोड़े बहुत वीडियो एडिटिंग, ज़्यादा नहीं बट थोड़े बहुत एडिटिंग भी कर पाएंगे। और कुछ ऐसा जो हमने इस वीडियो में मिस किया है तो आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको बता दूँ कि इस लैपटॉप को हमने 7000 में लिया है, और आप कमेंट करके बताएं कि वर्थ है या नहीं है इस लैपटॉप के लिए। और किस तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसी को इसकी वीडियो की ज़रूरत हो तो शेयर कीजिए, और आप हमारे सेकेंड चैनल रॉयल टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। So thanks for watching, see you in the next video.